सो ही गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज है महाशिवरात्रि, तो आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों को दिख रहा है इंडियन कभी कभी पहनती हूँ सूट, तो ये पहन करके रेडी हूँ और हस्बैंड नहा रहे हैं, तो अभी हम दोनों मिलकर जाएंगे मंदिर शिवरात्रि शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए और फिर चाय वाय पी लेंगे। नॉर्मली वैसे तो हस्बैंड फिर लेट ही नहाते हैं चाय वाय पीकर बैटरी लेकर, लेकिन आज शिवरात्रि है तो आज वो जल्दी नहा लिए। सो तो फटाफट से चलते हैं, मम्मी तो मंदिर हो आए हैं लेकिन अभी हम लोग जाएंगे और इस टाइम पे रश भी बहुत हो जाता तो शायद देर भी लग जाए। चलते हैं मंदिर। बस सुबह शिवरात्रि वाले दिन लड़ाई करने का और पागल हूँ मैं, है बस यही बोलते हैं बीवी को, इतनी समझदार बीवी आपकी। तो अभी 10:30 बज चुके हैं और मेहुल बोल रहा है कि मुझे ना दाल वाले आटे की रोटी बना के दो, मतलब परांठा बना के दो दाल वाला, लेकिन उसके अंदर जैसे आटा गूंद के बनाते हैं ना, तो मैं अभी उसके लिए खाना बना रही हूँ। और वो नहाने गया है, वैसे तो छुट्टी वाले दिन लेट आता है, लेकिन आज मैंने उसे गुस्सा किया और मैंने कहा जल्दी से नहा ले क्योंकि शिवरात्रि भी है और शनिवार है। तो फिर मम्मी बोलते हैं कि नहा कर ही देना है इसको खाना। 11 बज चुके हैं और अब हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। वैसे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ लेकिन सुबह ना चाय वाय लेट हो गई क्योंकि मंदिर जाना था, और अब मेहुल की आज छुट्टी है तो फिर आज इसके पापा के साथ नहीं बल्कि मेहुल के साथ ब्रेकफास्ट होगा। और मेहुल अभी नहा चुका है, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट इसको मिल रहा है। आज मैंने बनाई है दाल वाली रोटी, जो दांत की दाल बनाई थी ना उसका आटा गूंथ के मैंने दाल वाली रोटी बना दी, मन्नू मांग रहा था। फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद एक चैलेंज वीडियो बनाएंगे आज। कौन सी? कोई भी फनी सा, ठीक है? ओके। सो गाइस, सुबह के 11 बज चुके हैं, पापा चले गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं और अभी मुझे खाना बनाना है, सब्जी बनानी है क्योंकि मम्मी का फास्ट है, तो इसलिए मम्मी नहीं बना रहे, कह रहे कि जैसे खानी है बना लो अपने आप। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, हमने जब से जियो का नेट लगवाया है ना, नेट लगवाया है इसलिए क्योंकि OTT ऐप्स चलाने के लिए, ताकि हमारे TV पर एंड्रॉयड TV है तो उस पर भी ना सारी ऐप्स चल जाए, तो लाइव TV वगैरह चल जाए जिससे कि हम सीरियल्स वगैरह देख सकें। लेकिन 8 तारीख से लेकर आज 18 हो गई है, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं आया, OTT ऐप्स चल ही नहीं रही है। हर रोज़ नॉट ए सिंगल डे, मतलब हर रोज़ एक इंजीनियर आता है, वो सारा इंस्टॉल करता है, दोबारा से आधा घंटा लगाता है लेकिन सॉल्व नहीं हो रही है। कंप्लेन पे कंप्लेन हम करे जा रहे हैं लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग गलत भी बोल चुके हैं फिर भी नहीं सुनते हैं वो लोग। प्यार से भी बोल दिया कि मैम प्लीज़ करवा दो, सर प्लीज़ करवा दो, नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने हद मार के ना 2 दिन पहले ही कैंसिलेशन डाल दिया कि कैंसिल कर दो, आप हमारा दे दो, जो भी अमाउंट बनता है वो दे दो, क्योंकि हमने 6 मंथ का एडवांस पेमेंट किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर दोबारा से अपने आप कंप्लेन रेज करके इंजीनियर को भेज दिया, 3 बार हमारा बॉक्स चेंज हो गया फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ के लिए उनको जल्दी से करना चाहिए ना, आप ये कस्टमर को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, एक तरह से हैरेसमेंट हो गई कि हर रोज़ एक बंदा परेशान हो रहा है जियो की वजह से। यार ये तो गलत बात है ना, इसका कोई सीरियसली मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है तो हम डायरेक्टली कोई डील करने वाला बंदा नहीं है, सिर्फ कस्टमर केयर है, वो बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग भी पीछे से जो इंस्ट्रक्शन आती है उन्हीं को फॉलो करते हैं, और हम लोग भी सच में बहुत परेशान हो गए। मतलब क्या कहें, अनसेटिस्फेक्शन हो रही है इस जियो से, कहने को है इतना बड़ा कंपनी लेकिन सर्विस इज वेरी पुअर, वेरी पुअर। तो फिर कैंसिलेशन करो ना, आपने दोबारा से क्यों भेजा है सेटअप बॉक्स चेंज करने के लिए? कैंसिलेशन के लिए रेज है तो फिर दोबारा से अपने आप से कैसे आपका कंप्लेन रेज करते जा रहे हो? नहीं हुआ मैडम, किसी से बात नहीं हुआ, मेरे फोन से। मैडम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी फैमिली मेंबर में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब सारी डील मैं खुद करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे को बता के ही करेंगे, अगर वैसे तो उन्होंने किया नहीं, वो मुझे ही बोलते हैं कि तू कर, मेरे नंबर से कनेक्ट है तो तू ही कर। मेरी और किसी बंदे से बात नहीं हुई, कोई मैंने मैसेज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अपने आप से कंप्लेन रेज करते हो, अपने आप से एग्जीक्यूटिव को भेजते हो। मैडम एक मेरी बात सुनिए, एक दिन में मैं सिर्फ एक ही बार कॉल करती हूँ, उस टाइम आप 24 आवर्स का टाइम देके दिन में 3 बार मैसेज करते हो, कंप्लेन रेज हो गई, कंप्लेन रेज हो गई, एग्जीक्यूटिव आएंगे ही आएंगे। यार कैंसलेशन करना है तो बस और इसको ना बस हाई उस पे लेके ना फटाफट से कैंसिल कर दो। हम लोग ना सच में बहुत इरिटेट हो चुके हैं, अब कल दूसरा आएगा आपका एग्जीक्यूटिव, परसों तीसरा आएगा, ऐसे करके 1 मंथ हो जाएगा, फिर आप 1 मंथ का चार्ज डिडक्ट कर लीजिएगा
और फिर हमारी यही प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी, फिर हम दूसरे सर्वर को लगवाएंगे घर पे। मतलब आप लोग फ्री फंड में पैसे काटोगे और हम कटवाएंगे। जब कोई सर्विसेज बेनिफिट, मैडम मैंने कल बात की, आपके मैनेजर का नंबर लिया, उन्होंने मुझे जो नंबर दिया कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके हेलो कर दो, तो वो भी जो नंबर है ना वो आपका कोई बिजनेस व्हाट्सएप नंबर होगा जिस पे कोई पर्टिकुलर रिप्लाई नहीं मिलता है हमारी प्रॉब्लम का, सिर्फ जो कस्टमाइज मैसेज जो पहले से ही डाले होते हैं वही रिप्लाई आते हैं कि कंप्लेंट रेज हो गई। कंप्लेंट रेज तो कर रहे हो आप लोग, खुद से कर रहे हो, बट उसका सॉल्यूशन कोई नहीं कर रहा है। तो अभी 1:30 हो गए हैं और कम से कम 1 घंटा लगा के गए हैं। हमारे घर जियो के एग्जीक्यूटिव आए थे जो जियो फाइबर से, बट सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिला है और इतनी बार हम बोल बोल के थक गए और कैंसलेशन करा दिया। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी जो कि बनी नहीं है अभी तक, और 3 बजे तो लंच का टाइम भी हो जाएगा, तो फटाफट से मैं अभी सब्जी भी बना रही हूँ। साथ के साथ मैंने किचन भी सुबह से साफ़ नहीं की थी क्योंकि जब वो एग्जीक्यूटिव आए थे तो उनके पास ही खड़ी थी, क्योंकि मेरे को देखना था कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं, होता है या नहीं होता, क्योंकि वो बोल करके चले जाते हैं हो गया और जब पीछे से स्टार्ट करते हैं तो होता भी नहीं है। तो फटाफट से खाना वाना बना के अभी मुझे कपड़े वपड़े भी सुखाने के लिए डालने हैं क्योंकि वो भी मशीन में धुल चुके हैं। सो गाइस, तो 2:15 बज चुके हैं और मेहुल सो गया है। मैंने इसका टीवी बंद करा दिया तो ये सो गया, कहता मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा ठीक है भाई। और यहाँ लैपटॉप पर जो है वीडियो अपलोड हो रही है, मुझे जाना है किचन में, आज बनाने हैं राइस क्योंकि छोले बनाए थे सुबह ब्लैक चने, तो अब उसके साथ बनेंगे राइस। वैसे तो आज शिवरात्रि है, मम्मी का फास्ट है, तो छोले मैंने ही बनाए थे, मम्मी ने नहीं बनाए, तो मैं फटाफट जाकर राइस बना दी क्योंकि पापा भी आ जाएंगे या फिर पापा का लंच जाएगा, नहीं तो इसके पापा तो आएंगे ही घर पे, और मेहुल को भी अभी उठते ही भूख लगेगी, मम्मा भूख लगी है। तो मैं फटाफट जाती हूँ किचन में। मेहुल मन्ना उठ जा बेटा, अब 1 घंटा हो गया सोए हुए, उठ जा राजा राइस खाने, उठ जाओ पापा भी आने वाले, उठ जा देख लैपटॉप पड़े, गिरा मत दियो, इधर मत हो। हाँ हाँ उठ जाओ, मैं बाहर से कपड़े उतार के ला रही हूँ, ठीक है। हाँ उठ जा मेरा बच्चा। तो कह दी देखिए मम्मा आप क्या कर रहे हो बेटा, रख रही हूँ। क्यों? थोड़ा मौसम वो हो गया ना। अच्छा तो फिर ऐसे वूलन के कपड़े रख देते हैं फिर पहनने थोड़े गर्मी में। मान लो किसी दिन गर्मियों के अंदर जून जुलाई में -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए बेटा, वो सपने में होगा। हो सकता है यार, जरूरी नहीं है, सपने में ही होगा। फिर सपने के लिए रख दो। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, सारा रूम फैला रखा है मैंने क्योंकि आज ना सफाई करने पे जरूरी थी। मैंने कहा चल यार कपड़े ना फैल रखे हैं और पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता और समेटने के लिए इतने कपड़े हैं। हर किसी के साथ यही होता है। तो गर्मियों के मौसम शुरू हो गए तो गर्मियों के कपड़े निकालने थे, सर्दियों के कपड़े रखने थे, तो मैंने कहा चलो आज यही कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी 1-2 तो रख ही लिया मैंने सर्दियों के, क्योंकि कुछ नहीं पता बरसात आ गई तो फिर से 1-2 दिन ठंड हो जाएगी। तो फिर अभी पता क्या हुआ, मन्नू के ना ग्रोथ खींच रहा है तो हर साल मैं इसके कपड़े लेती हूँ ना, अगले साल छोटे हो जाते हैं। तो फिर मैंने अभी बहुत सारे कपड़ों को निकाला हुआ है और मैं ये सोच रही हूँ कि ना इनको ना किसी को दे दूँगी जिनको नीड है, क्योंकि नए नए कपड़े हैं। बच्चा तो पिछले साल लिए थे, इसने 2 बार डाला 3 बार डाला, उसके बाद जैसे ही वेदर चेंज हो गया तो दूसरे कपड़े आ गए। ऐसे करके ना बच्चों के नए नए कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो किसको ही दे, हम फैमिली में कोई लेता नहीं है पुराने कपड़े, हम क्यों ले चाहे नए कपड़े पड़े हो। फिर मैंने सोचा कि हमारे घर के पास यहाँ मदर टेरेसा है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि हैंडीकैप भी हैं और नीडेड हैं काफ़ी, तो मैं इसको लेके जाऊँगी, मन्नू को भी लेके जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह विजिट कराना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि उनको पता चले कि हाँ हम लोग भगवान ने हमें अच्छी लाइफ दी है, उसके लिए हमें थैंकफुल भी रहना चाहिए और हमें दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा मैं पहले कपड़े निकाल लेती हूँ सारे और फिर कल जैसे ही टाइम मिलेगा ना संडे है तो इसको लेके जाऊँगी साथ में और वहाँ पर हम दे करके आएंगे। तो पहले मैं फटाफट से सारा समेट लेती हूँ क्योंकि इतना गंदा जब मैसी हो जाता है ना घर तो मुझे बहुत इरीटेशन होती है, मुझे खुद ही नहीं बैठा जाता। तो अभी पारवी का फ़ोन आया था, पारवी को बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है। पारवी जानते हो आप मेरी भतीजी, जिसके साथ मैंने व्लॉगिंग की शुरुआत की थी, शुरू के स्टार्टिंग में मैं वहाँ गई थी,
तो कल उसका बर्थडे है लेकिन उसका फीवर उतरने पे ही नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। जब भी वीडियो कॉल आती है ना चिढ़ जाती है, और नहीं तो पहले इतनी स्माइल करती थी, इतना खेलती थी, इतनी चिल्लाती थी ना, दो दिन से उसको फीवर हो रखा है। तो यहाँ बन गई है पापा जी के लिए ग्रीन टी। शाम का टाइम है और पापा कह रहे हैं कि मेरे लिए ग्रीन टी बना बोला, तो चलिए चलते हैं पापा को देने। तो पापा को ग्रीन टी मैंने दे दी है और पापा वीडियो में आते नहीं है इसलिए मैंने शूट दिखाया नहीं। ओ ये क्या हो रहा है, इतना चमत्कार कैसे हो गया? पढ़ाई कर रहा है, मेरे कंप्यूटर के चैप्टर पेंडिंग है। वाह जी वाह, बिना कहे पढ़ रहा है ये लड़का। मेरे कंप्यूटर के चैप्टर पेंडिंग है और मंडे को ग्रेडिंग है इसलिए मैं कर रहा हूं। ओहो, तो अब समझ आया, ऐसे तो कोई बात नहीं होती कि ये पढ़ ले, नहीं तो इनसे 10 बार बोलना पड़ता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले तब जाके बुक्स उठती है। चलो कोई नहीं, पढ़ाई कर, मैं कपड़े समेटती हूँ, ठीक है। रात के 10:30 बज चुके हैं, कपिल शर्मा शो भी ख़त्म होने वाला है और मैं ना दोपहर से लेके शाम तक बीच का व्लॉग शूट करना ही भूल गई, मतलब ध्यान ही नहीं आया। और वैसे ही काम में भी काम भी कर रही थी, थोड़ा सा काम हो गया घर का क्योंकि बेड वेड सेट कर रही थी, और अब जब दूध बनाने आई हूँ ना रात के लिए तब मुझे याद आया मैंने ब्लॉग तो ऑफ ही नहीं किया और बीच में तो मैंने शूट ही नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि या तो मैं कभी शूट कर रही होती तो कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ और फिर रख देती हूँ, बाद में ध्यान आता है यार मैंने ये चीज़ भी बोली थी लेकिन आई क्यों नहीं, ये कन्फ्यूज़न। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मुझे लगता है कि इस टाइम पर शूट करना चाहिए, उसी टाइम पे मैं थोड़ी देर बाद तो काम करने लगती हूँ, उसमें इतनी खो जाती हूँ फटाफट काम करने के चक्कर में फ़ोन उठाने ही भूल जाती हूँ। या फिर कभी कभी जॉइंट फैमिली है ना, तो कभी कोई नाराज़ है, कभी कुछ है, कभी कोई ना कोई, यू नो कि सब समझते ही होंगे जॉइंट फैमिली में क्या होता है, तो फिर मूड ही नहीं करता कि फ़ोन उठाने का कि छोड़ो यार क्या ही। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आज पता क्या ना, मैं सच बताऊँ तो मूड वैसे ही सुबह से ख़राब हो रहा है। पहले तो वो जियो वालों से मेरी बहस हो गई कस्टमर केयर से, क्योंकि इतने दिन से हमने जियो का नेट के लिए बोला हुआ था, वो नहीं चल रहा, बार बार कंप्लेन पे कंप्लेन हो जा रही है, वो लोग बार बार आते हैं। दूसरी फिर पारवी की तबीयत ख़राब चल रही है, मैंने आपको बताया। तीसरा मेरा वैसे ही हेडेक चल रहा है, मतलब इसीलिए ना मूड सा आज का दिन ऐसे, मैं बताऊँ तो आज थोड़ा बहुत बुरा दिन है, सच में बुरा दिन है, ऐसे सैड सैड सा फील हो रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।